हरे कृष्णा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली या दिवाली अर्थात रोशनी का त्यौहार। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों दीप अर्थात दिया व अवली अर्थात लाइन या श्रृंखला, इनके मिश्रण से हुई है। आपको तो पता ही है कि इस उत्सव में घरों के द्वारों, घरों व मंदिरों को दिए या अन्य बिजली के उपकरण से प्रकाशमान किया जाता है। दीपावली के दिन अयोध्या के राजा भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। भगवान श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दीपों की रोशनी से जगमगा उठी थी। देवताओं द्वारा विमानों से पुष्प वर्षा की गई। सभी लोगों ने यथाशक्ति धन धान्य का दान दिया, क्योंकि उनके प्राणों से प्रिय भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद अयोध्या वापस आ रहे थे। इसलिए संपूर्ण अयोध्या में कोई भी दुखी, पीड़ित, रोगी नहीं रहा। सबकी दृष्टि एकमात्र उसी मार्ग पर टकटकी लगाकर एकाग्र चित्त थी, जिस मार्ग से भगवान श्री राम अयोध्या में पधारने वाले थे। चारों ओर संगीत, नृत्य और मिठाइयां बांटी जा रही थी। अयोध्या वासियों का अपने प्रभु के प्रति इस प्रेम का कौतूहल देखते ही बनता था। वाल्मीकि रामायण में इस दृष्टांत का जीवंत उल्लेख किया गया है। तब से आज तक प्रतिवर्ष यह खुशियों का प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाया जा रहा है। दीपावली यह चरितार्थ करती है कि अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। असत से सत की ओर बढ़ो, अज्ञान के तमस से ज्ञान की ज्योति की ओर बढ़ो। दीपावली प्रकाश का पर्व है। भगवान श्री राम के स्वागत के लिए सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी साफ सुथरा कर सजाते हैं। बाजारों में गलियों को भी सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब के सब साफ सुथरे व सजे धजे नजर आते हैं। कुछ लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन भी करते हैं तथा नए बही खाते भी चालू करते हैं। भारत में दिवाली मनाने की कई दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। इनमें से कई शास्त्रों द्वारा प्रमाणित हैं और कई लोक सामान्य में पूर्वजों से चलती आई हैं। भगवान श्री राम का अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस आना सबसे अधिक प्रचलित कारण माना जाता है। इसके अतिरिक्त समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी के प्राकट्य के कारण लक्ष्मी जी का पूजन भी इसी दिन किया जाता है। भगवान धन्वंतरी का भी प्राकट्य एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। कई व्यवसायी इस दिन को वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन मानकर अपने बही खातों को, पुराने चौपड़ों को बंद कर देते हैं और नए चौपड़े चालू कर देते हैं। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर वध और 16,000 राजकुमारियों को बंधन मुक्त कराने के कारण यह दिन एक उत्सव की तरह ही मनाया जाता है। भगवान कृष्ण और यशोदा मैया के मध्य हुई दामोदर लीला भी इस दिन को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। यशोदा मैया द्वारा कान्हा को ऊखल से बांधना और बालक कृष्ण द्वारा यमलार्जुन वृक्षों को श्राप मुक्त करना, यह लीला हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की कई शिक्षाएं देती है। कई प्रांतों में महाराज बलि के पाताल से वापस आने के कारण खुशियां मनाई जाती हैं, तो कहीं पर यमराज के अपनी बहन यमुना देवी से मिलने को लेकर भी यह उत्सव का कारण बन जाता है। इसी दिन राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक किया गया था, जिसके कारण हमारे पंचांग विक्रम संवत से भी प्रारंभ होते हैं।
वास्तव में संसार में खुशियां मनाने के कई कारण हो सकते हैं, परंतु यदि हमारी खुशियों के केंद्र बिंदु भगवान हैं, तो यही उत्सव भगवान से हमारी आसक्ति को बढ़ाते हैं और हमारे भव बंधन से मुक्ति का कारण भी बन सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।